नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज टूर गाइडर लेकर आया है आपको शिवगंज दुर्गा मंदिर के पास अपोलो डेंटल केयर, जो कि है जस्ट IDBI बैंक के बगल में। हमारी स्माइल जो है वो हमारी लाइफ में कितना वैल्यू करती है, आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक स्माइल आपकी फेस वैल्यू को बढ़ा देती है और आपकी एक सुंदर सी स्माइल लोगों को आपका दीवाना बना सकती है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे दांत ही हमें स्माइल करने से रोकते हैं। खास करके उन लोगों के लिए आज का एपिसोड है जो दांतों की किसी भी तरह की तकलीफ से परेशान हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और हम बात करेंगे डॉक्टर नासिर हुसैन सर से और डॉक्टर जाकिर हुसैन सर से और जानेंगे दांतों से जुड़ी हुई तकलीफों के बारे में, समस्याओं के बारे में। कैसे? बस बढ़िया। ब्रश करने का प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए सर? देखिए, ब्रश करने का प्रॉपर तरीका है कि हम लोग जैसे कि 90% लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में ब्रश चलाते हैं, ठीक है? तो ये ब्रश का टेक्निक सही नहीं है। हॉरिजॉन्टल मोशन में मतलब ऐसे ऐसे ब्रश कभी नहीं करना चाहिए। ब्रश हमेशा सोफिस्टिकेटेड हैंड, सिर्फ रिस्ट मूव करे और अप एंड डाउन मोशन, रोल मोशन, ठीक है? हम दांतों ब्रश को ऊपर नीचे ले जाएं क्योंकि हमारे दांत वर्टिकल मोशंस में है, ठीक है? अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन में ब्रश कर रहे हैं तो कभी भी साफ नहीं होगा, ये जो बीच वाले गंदगी है बीच में ही रह गए। तो अप एंड डाउन मोशन में ब्रश करेंगे तो दांत ब्रश का जो हेयर है वो दांतों के बीच में स्पेसेस में जाएंगे और जो भी फूड पार्टिकल्स है वो रिमूव आउट होगा। कितनी बार करना चाहिए? देखिए, दिन भर में ब्रश एक से दो ही बार करें, ठीक है? और ब्रश ज़्यादा देर तक नहीं, एक से दो मिनट मैक्सिमम, और बहुत जेंटल वे। ऐसा नहीं कि ब्रश ले लिए हैं आप हाफ एन आवर कर रहे हैं तो इससे आपका दांत साफ नहीं होगा, दांत पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होगी। ब्रश का जितने एडवांटेजेस है उतना डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है? ड्रॉबैक भी है। तो आप ब्रश को जेंटल वे में यूज़ करें और एक से दो मिनट ही यूज़ करें। हाँ, प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो आप वर्टिकल मोशन, रोल मोशन, गोल गोल घुमा के ऊपर नीचे करके और अंदर वाले में मोलर्स में, जिसको हम लोग चौवा बोलते हैं, आप अंदर जाके स्ट्रोक मोशन में कि वहाँ एडॉप्ट करें और ऊपर की तरफ पुल करें ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स है वो निकल जाए, बाहर की तरफ रिमूव आउट हो जाए। हाँ, बहुत सारे लोग टंग क्लीनर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? टंग क्लीनर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोग हेलिटोसिस, जिसको हम लोग बैड ब्रेथ, मुँह से बदबू आना कंप्लेन बहुत सारे लोग का रहता है। आप टंग क्लीनर नहीं यूज़ करेंगे तो जो भी हमारे टंग पे स्कार बन रहा है, खाना खा रहे हैं, उसका एक लेयर कोटेड हो जाता है, वो रिमूव आउट नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है बैड ब्रेथ, ठीक है, मुँह से बदबू आने का। तो टंग क्लीनर भी करें। जब बच्चे 7 से 8 महीने के हो गए तो दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, किड्स में, तो उस समय से पेरेंट्स को केयर करना चाहिए कि हम बच्चे का दांत साफ करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग बोतल से दूध पीते हैं, ठीक है? दूध में लोग चीनी ऐड किया है, वो जाके दांतों के बीच में रह गए और उसी की वजह से बच्चों में कीरीज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। आप तो उनको ब्रश कराएं, बच्चे हैं, अनकोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन अब ब्रश कराए। उसके लिए भी बहुत सारे ब्रश किट्स ब्रश आते हैं, फिंगर किट्स ब्रश आ गए हैं आज के डेट में, जो काफ़ी ईजी टू यूज़ होता है। हाँ, जैसे कि हम लोग एडल्ट्स, बहुत सारे घर में क्या होता है, जो एडल्ट्स यूज़ कर रहे हैं वही किड्स भी यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों में बेसिकली अलग टूथपेस्ट आते हैं, फ्लोरेटेड टूथपेस्ट आते हैं, ठीक है? फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें, ठीक है? तो फ्लोरेटेड टूथपेस्ट यूज़ करने से क्या होता है, वो एंटी कैरियोजेनिक काम करता है, केरिस के अगेंस्ट काम करता है। बच्चे दिन भर खा रहे हैं, आप केयर नहीं कर रहे हैं, तो अगर फ्लोराइड पेस्ट से आप उसको ब्रश करा रहे हैं, वॉश करा रहे हैं टीथ, तो केरिस लगने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। सर, तो और चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, इतने सारे टूथपेस्ट मार्केट में हैं, किस तरह के टूथपेस्ट हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें? हाँ, देखिए, टूथपेस्ट आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे हैं, ठीक है? टूथपेस्ट आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी यूज़ करें, एक ऑथेंटिक टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। जैसे कि पाउडर बहुत सारे आते हैं, रेड पाउडर, वाइट पाउडर्स, तो पाउडर्स दांत के लिए हानिकारक होते हैं, वो दांत को बहुत जल्दी रफ़ करते हैं, तो मैं तो पाउडर के लिए सजेस्ट ही नहीं करूँगा। और जहाँ तक पेस्ट की बात है, बहुत सारे ऐसी कंपनी हैं जो आजकल टीवी में ऐड भी देते हैं, पेस्ट देते हैं, कोशिश किया जाए कि जो केमिकल रिलेटेड पेस्ट है, ठीक है, वो आप उससे थोड़ा सा दूर रहें। जहाँ तक केमिकल रिलेटेड पेस्ट की बात है तो हम लोग रिकोगनाइज नहीं कर पाते कौन केमिकल रिलेटेड है, कौन केमिकल रिलेटेड नहीं है। तो आप कभी ध्यान देंगे पेस्ट के नीचे टिप पे रेड, ब्लू,
ग्रीन, एक छोटा सा टैग लगा टाइप का रहता है, ठीक है, कोटेड किया रहता है, तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन रहे तो वो पूरा हर्बल बना हुआ है, और ब्लू है वो सेमी होता है केमिकल और हर्बल, और एक रेड जो होता है जो पूरी तरह केमिकल बेस पे ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप देखें उसके बारे में। कॉमन डिजीज है सर पायोरिया की, आजकल जो हमेशा हमें 10 लोगों में से 3-4 लोगों को मिली जाती है। हाँ। उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, पायोरिया होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम टीथ क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात है कि अगर आपका पेट सही नहीं है, गैस वैस फॉर्म होता है आपको, तो वो भी एक रीज़न है। और फीमेल्स में खासकर वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तो जिंजाइवल इन्फ्लामेशंस वगैरह होता है, तो वो भी रीज़न है, ठीक है। जनरल अगर पायोरिया की बात की जाए, ठीक है, तो वो ब्रश सही से नहीं करने से ही होता है। तो आप ब्रश सही से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग रात में खाना खा के सोए तो सुबह में उठेंगे तो कभी आप ब्लैक कपड़ा ले ले अपने टीथ पे स्वैब आउट करें तो आपको वाइट एक डेब्रिज होता है, मेडिकल टर्म इसको डेब्रिज बोल, हाँ ठीक है, डेब्रिज बोलते हैं, तो वो निकलेगा, ठीक है। अगर आप सही से ब्रश नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ ब्रश नहीं ले जा रहे, तो वही डेब्रिज क्या होता है, दिन पे दिन ठीक होते चला जाता है और दांत में डिपॉजिट होने लगता है। दांत और मसूड़े के बीच में जब वो डिपॉजिट हो गया, मतलब जम गया, तो वहाँ से क्या होता है, मसूड़ा लूज होना स्टार्ट होता है, जो पायोरिया का इनिशियल सिम्टम है, जैसे कि गम ब्लीडिंग होना, आपको मुँह से बदबू आना, ठीक है, मसूड़ा लूज हो जाना, ठीक है, दांत पीले हो जाना, ये पायोरिया का सिम्टम स्टार्ट हो जाता है। ब्रश आप सही से करें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर रहेगी। अभी आपके डेंटल से प्रॉब्लम, दांतों से जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके लिए आप यहाँ पे किस किस चीज़ का क्योर कर रहे हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं या स्पेशली कुछ? देखिए, हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ तक इलाज की बात है, आपको पायोरिया से लेके इम्प्लांट तक हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप आए हमारे यहाँ और इलाज कराएं। और जहाँ तक इलाज की बात है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग इलाज करते हैं, ठीक है, पेशेंट का इनिशियल प्रॉब्लम क्या है, हाँ, उसके बाद हम लोग उसको ओरल हेल्थ एजुकेशन देते हैं कि आप अपने दांत को सही कैसे रखें, ठीक है। और जहाँ तक केरीज की, नॉर्मल आज के डेट में केरीज सबसे कॉमन, जिसको हम लोग खुलला बोलते हैं, दांतों में कीड़ा लग गया, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी ठीक कराने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आप उसे भरवा सकते हैं। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि केरीज हो गया है, खुलड़ हो गया है, दर्द हो गई दांतों में, दांत को निकलवा के हटवा दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। दांत को अगर केरीज भी हो गया है, सड़न हो गई है, पेनफुल भी है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। गुटखा और पान, हाँ, इसके चलते दांत बहुत गंदे हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो अलग चीज़ है, वो तो होंगी ही होंगी, दांत सबसे गंदे हो जाते हैं, तो इनके लिए क्या इलाज है सर? देखिए, गुटखा और जहाँ तक पान की बात है, उससे दांत हमारे गंदे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने का ऑप्शन है। आज के डेट में अगर टीथ डिसकलर भी हो गया है, तो सफाई नॉर्मल, अगर सफाई करने से टीथ अगर कलर सही नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाइटिश दांत दिखना चाहिए, तो उसके लिए ब्लीचिंग का ऑप्शन है, आप ब्लीचिंग करा सकते हैं। थैंक यू सर, आप इतना शेयर किए, और जो यंगस्टर जो गुटखा खाते चल रहे हैं अपने दांतों में खराब, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? बस देखिए, गुटखा मैं बोलना चाहूँगा कि गुटखा अच्छी चीज़ होती नहीं है, गुटखा या करना, स्मोकिंग करना, आप एडिक्टेड हो जाते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन अभी तो इनिशियल स्टेज में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ग्रो करता है, तो जहाँ तक गुटखा खाने वाले की बात है कि मुंह का ओपनिंग कंस्ट्रिक्टेड होते चला जाता है, आप स्पाइसी खाना नहीं खा सकते, स्पाइसी खाना खाएंगे तो आपके मुंह में बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होगी। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो उनका भी इलाज है, आप बिटेल नट्स छोड़े हमारे यहाँ आए, इलाज कराएं, बहुत सारे मेडिसिंस हैं, थेरेपी दिया जाता है, ठीक है, मुँह ओपनिंग थेरेपी है, उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। थैंक यू सर इतना शेयर करने के लिए। बिल्कुल। तो ये था आपके दांतों को देखभाल करने का टिप्स जो कि दे रहे थे नासिर हुसैन सर। और मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने दांतों का ख्याल जरूर रखिए। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको दांतों में दर्द हो, सनसनाहट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, सर का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सर के एड्रेस आप देख लिया, एड्रेस भी दिया हुआ है, आप इनको डायरेक्टली कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और बहुत मिनिमम खर्च पे यहाँ पे इलाज भी करवा सकते हैं। तो फिर हम अगले एपिसोड में कहीं और रहेंगे। इस सीरीज़ का हम अंत यहीं करते हैं। ईश्वर करे आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हम यही कामना करते रहें। गर्मियों का मौसम है, अपना ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार।